सन 1878 से 1889 तक के ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक ऐसे आदिवासी नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों और उनके चाटुकारों के नाक में दम कर दिया था। इससे परेशान अंग्रेजों ने उन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी की सजा दी थी। इस आदिवासी महानायक को कोई मामा कहकर पुकारता था तो कोई अद्वितीय नायक, कोई लुटेरा कहता था तो कोई डाकू करार देता था, किसी ने क्रांतिकारी कहकर सराहा तो किसी ने भारत का रॉबिनहुड कहकर संबोधित किया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के भील आदिवासी समुदाय में जन्मे टंटिया भील की। जी हाँ, टंटिया भील, जिन्हें टंटिया मामा के रूप में भी जाना जाता है। आज टंटिया मामा बलिदान दिवस के मौके पर जानेंगे कि क्यों लोग अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा करते थे। टंटिया इतिहास के उन नायकों में से एक थे जो अंग्रेजी अत्याचारों और हुकूमतों के विरुद्ध कार्य किए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 12 वर्षों तक संघर्ष किया था। उनके इसी संघर्ष के कारण स्थानीय लोग उन्हें आदिवासी जननायक मानते थे। वहीं अंग्रेजी हुकूमत टंटिया को विद्रोही, लुटेरा और डाकू करार दिया था। टंटिया बचपन से ही निडर और जिज्ञासा का भाव रखते थे। उनके इस भाव ने आगे चलकर धनुषवाण, घुड़सवारी, निशानेबाजी जैसे आदि कलाओं में माहिर बना दिया था। टंटिया ने साल 1857 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे क्रांतिकारियों से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने कलाओं का प्रयोग अंग्रेजों के अत्याचारों को रोकने के लिए करने लगे। टंटिया से प्रभावित अन्य लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। वे लोगों को संगठित करने लगे और संभवतः आदिवासियों के अद्वितीय नायक के रूप में सामने आए। टंटिया ने लोगों के साथ अंग्रेजों और उनके निर्देशानुसार काम कर रहे जमींदारों, साहूकारों, चाटुकारों और अन्य सहयोगियों को लूटना शुरू किया। हासिल किए गए लूट को वे गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे। टंटिया के इन कारनामों के कारण स्थानीय लोग उन्हें मसीहा मानते थे। लोगों में उनके प्रति प्यार, स्नेह और सम्मान बढ़ता चला गया। यही वजह रही कि लोग उन्हें प्यार से टंटिया मामा कहने लगे थे। वर्ष 1874 में उन्हें चोरी करने पर पहली बार जेल भेजा गया था। वर्ष 1878 के कारावास के बाद टंटिया ने जंगल में रहकर गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। इससे वे और ज्यादा अदम्य साहसी क्रांतिकारी के रूप में उभरने लगे, जो अंग्रेजों और अंग्रेजी सहयोगियों के नाक में दम करके रख दिया था। इसके बाद अंग्रेजों को भारी नुकसान होने लगा। तंग आ चुके अंग्रेजों ने टंटिया को पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन टंटिया के साथ दिमाग और चालों के कारण हमेशा असफल हो जाते थे। खासकर जंगलों में प्रवेश के बाद टंटिया को पकड़ना नामुमकिन हो जाता था। टंटिया का पकड़ा जाना अंग्रेजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रची जिसमें टंटिया के रिश्तेदारों को शामिल किया गया। अपने ही रिश्तेदारों के विश्वासघात के तहत टंटिया को कब्जे में लिया जा सका। पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इंदौर के सेंट्रल इंडिया एजेंसी जैन में रखा, लेकिन टंटिया की गिरफ्तारी से नाखुश लोगों के विद्रोह को देखकर उन्हें जबलपुर लाया गया। यहां उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा की घोषणा की गई और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दी गई। बता दें कि फांसी के बाद विद्रोहियों के डर से अंग्रेजों ने टंटिया के शव को पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया था, जहां वर्तमान में उसी स्थान पर उनकी समाधि मौजूद है। टंटिया भील की गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 10 नवंबर के अंक में भारत का रॉबिनहुड कहा। आज टंटिया मामा बलिदान दिवस पर हम उन्हें पूरे देश की तरफ से नमन करते हैं।